हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक यज्ञ में जा रहे हैं जो एक पहाड़ के ऊपर है। एक्चुअली पालकोट का पहाड़ है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो इसी तरीके के रास्ते में जाएंगे और हम अभी फाइनली पहाड़ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें ऊपर जाना है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे जा ही रहे हैं, हम भी अभी जा ही रहे हैं। अभी तो ज़्यादा स्लोप जो है वो ज़्यादा नहीं है, अभी चढ़ने में कुछ मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्लोप है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है चढ़ने में। एक्चुअली आज यहाँ पे यज्ञ है और ये यज्ञ जो है वो काफ़ी दिन तक चलता है, शायद एक सप्ताह या उससे भी ज़्यादा दिन तक चलता है। तो हम अभी बीच में ही आ रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा इजी होगा यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है ताकि लोगों को जिन्हें चढ़ने में मुश्किल हो रही है उनके लिए हेल्प हो जाए। और हम तो काफ़ी मुश्किल से चढ़ रहे हैं, एक्चुअली बहुत थक भी गए हैं अभी, लेकिन काफ़ी झुक के भी चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ढलान है यहाँ पे। पैर अगर फिसला ना एक काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे। और एक्चुअली कुछ लोग तो जो गांव की लेडीज़ हैं वो सर पे काफ़ी भारी भरकम जलावन का लकड़ी भी चुन करके यहाँ चढ़ रही हैं, इसलिए उन्हें देख करके काफ़ी लगता है कि यार किन्हीं किन्हीं का लाइफ सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस उतना बोझा ढो करके इसमें चलना इस तरीके के सरफेस पे काफ़ी मुश्किल होता है। और हम अभी लगभग आधा ऊँचाई चढ़ गए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यूज़, काफ़ी सुंदर व्यूज़ है। और ये व्यूज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी ऐसे व्यूज़ काफ़ी सुंदर है। हम लोग अभी इस जगह पे हैं, इधर कुछ पहाड़ है और ये नीचे का खेत वगैरह देख रहे हैं आप, काफ़ी छोटा लग रहा है। मीन्स हम लोग ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, अभी और ऊंचाई चढ़ना है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कुछ आसपास के हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं जिन्हें इनके बारे इसके इस जगह के बारे में पता है। और इस तरह के जगह पे चढ़ना थोड़ा इजी तो नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो देखते ही आप घर चढ़ते हुए हम लोग कितना थक जाते हैं। फिर तो ये पहाड़ है, इस पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, कहीं कहीं पे फिसलन भी है। और स्लीपर पहन के चलना तो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, जिन्होंने शूज़ पहना है उनके लिए ईजी है, मैं तो एक्चुअली चल ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्लीपर है वो एक्चुअली बेल्ट वाला है ना, तो मुझे सपोर्ट मिल जा रहा है तो मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्लीपर पकड़ती तो ऑब्वियसली अभी रिकॉर्ड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता। अब हम लगभग फिर से एक दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं ये। और ये जो पहाड़ मीन्स पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, ऐसे ढलान पे इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कि थोड़ा सा भी ठेल दिया जाए तो जैसे गिर जाएंगे, लेकिन जिस भी प्रोसेस से बना हो ये मीन्स जब भी बना होगा काफ़ी देख करके ही लग रहा है कितना मुश्किल है। आप देख रहे हैं बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन हो गई है कहीं कहीं पे। ये सेकंड पड़ाव से जो व्यूज़ है, व्यूज़ काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। एक्चुअली ऊंचाई पे आने पे व्यूज़ थोड़ा अच्छा लगने लगता है दूर दूर के जो जगह हैं। मैं तो अभी यही रिकॉर्ड कर रही हूँ और काफ़ी थक गए हैं तो हम लोग अभी यहाँ पे फ़िलहाल बैठे हुए हैं
पत्थर के नीचे छाया में, धूप भी काफ़ी है आज। और इधर कुछ डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अब हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा झाड़ी वाला एरिया है, वहाँ से क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली ये जगह का नाम, ऐसे तो हम लोग पालकोट पहाड़ कहते हैं, लेकिन ये रामायण के टाइम से ये रिलेटेड है। एक्चुअली कहा जाता है कि सीता मैया और राम भगवान लोग जी लोग जो थे वो लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड, उसी टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जगह पार करने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे फाइनली जहाँ पे यज्ञ हो रहा है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन बना हुआ है ताकि, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं ना, तो ये एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि इतनी हाइट पे भी यहाँ पे, एक्चुअली ये जो हम लोग जिस चोटी पे, मींस पठार या प्लेटू जो कहते हैं पहाड़ पे जो चढ़ रहा है ना, यहाँ पे टॉप पे, सबसे टॉप पे एक कुआं है और तालाब है। एक्चुअली नीचे वाले एरिया के पानी सूख जाते हैं गर्मी के टाइम पे, लेकिन वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। सो हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और अभी तो हम चल ही रहे हैं, अब बीच बीच में मैं ऐसे रिकॉर्ड भी कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं हम किस तरीके के जगह से होके जा रहे हैं। से अभी जब कोई ना हो ना, अभी यज्ञ चल रहा है तो काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो ऐसे में आना सेफ है, इट्स टोटली सेफ। लेकिन मीन्स अकेले आना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि आज का टाइम वैसे भी जब कुछ फंक्शन ना हो उस टाइम पे इस तरीके के इलाके में आना तो थोड़ा डर लगता ही है, लेकिन अभी तो काफ़ी भीड़ भाड़ है। और थोड़ी देर है, और दो चार मिनट में हम लोग पहुँच ही जाएंगे लग रहा है, क्योंकि हाँ देखिए अब हम पहुँच गए हैं फाइनली। और आपको मैं भी थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा जो यज्ञ वगैरह हो रहा है, जो भी प्रोसेस। तो हम ऑलमोस्ट ये जो पठार था उसके टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी भीड़ भी है, और कुछ छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं, तो हम फिलहाल जा रहे हैं अभी पूजा के लिए, और पूजा के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आप लोगों को आसपास का कुछ लोकेशन दिखा दूँगी। ये कुछ मंदिर है, सो पूजा के बाद मिलते हैं गाइस। फाइनली मेरी पूजा तो हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर के अंदर का भी कुछ व्यूज़ ले लिया जाए, मीन्स कुछ। और ये दूसरा मंदिर है, ये पंपा भवानी मंदिर। एक्चुअली यहाँ पे पंडित जी ही सारा पूजा कर दे रहे हैं, बस हमने कुछ ऐसे ही दे दिया है नारियल वगैरह। और ये एक्चुअली यहाँ पे लंगर भी चलता है ना, तो मैंने बस ऐसे ही। और ये हमारे साधु जी हैं एक्चुअली, कहा ये यहीं पे समाधि ले लिए हैं, तो ये उन्हीं का समाधि वाला जगह है। ये जो आप देख रहे हैं एरिया वो उनका समाधि का है, और ये वही प्लेस है आप देख रहे हैं यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। एक्चुअली आज का यज्ञ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम अभी यहाँ पे कुछ परिक्रमा करेंगे। ये वही एरिया है जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, और हम अभी यहाँ पे परिक्रमा करने वाले हैं। सो मैं आपको फिर परिक्रमा के बाद ही मिलूँगी गाइस, बाय। फाइनली हमारा जो परिक्रमा था वो कंप्लीट हो गया है, तो हम अभी और ऊपर जा रहे हैं। जो मैंने आपसे जो कहा था ना कि ऊपर में एक कुआं और तालाब है जहाँ का पानी नहीं सूखता, जबकि नीचे वाले एरिया का पानी सूख जाता है, हाँ हम अभी वही उस जगह पे जा रहे हैं। तो जब पहुँचती हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ का एरिया। काफ़ी सारे चीज़ हैं यहाँ पे देखने के लिए, एक्चुअली
व्यूज़ काफ़ी सुंदर है। ये आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर में थोड़ा जंगल टाइप एरिया भी है, कुछ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। या ये रहा, ये वही तालाब है जिसके बारे में मैं कह रही थी। और यहाँ पास में ही एक कुआं है, आप देख रहे हैं अभी तो बारिश ठंडा के बाद पानी है ही, और गर्मी के टाइम में भी इतना ही पानी रहता है यहाँ पे। और ये मंदिर वाला एरिया आप देख सकते हैं फाइनली किस ऊंचाई पे पहुँच गए हैं हम, काफ़ी ऊंचे जगह पे हैं अभी। और ये आपको मैं आसपास का व्यूज़ दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आसपास में जो भी यहाँ पे पठार हैं आसपास के एरिया में वो दिखाई दे रहे हैं हमें। रियल में काफ़ी सुंदर व्यूज़ है। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि ये जो भी पहाड़ के छोटे छोटे मीन्स पत्थर बड़े बड़े यहाँ पे हैं वो किसी ना किसी देवता या किसी ना किसी पर्सनालिटी जो थे उस टाइम पे, रामायण के टाइम पे, उस टाइम का प्रतीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये शेषनाग भगवान जी का प्रतीक माना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट भी कर दिया गया है इस टाइप से, और इस टाइप से जो ऊपर से लुक आ रहा है ना वो तो रियल में लग रहा है कि हाँ है, शेषनाग जी के ही प्रतिरूप है, उस टाइप से ये लग रहा है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, एक्चुअली मैं थोड़ा नज़दीक जा रही हूँ ना तो देख, कहा जाता है कि ये वही उन्हीं का रूप है। और आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ, उनका आँख जो है उनका गड्ढा बना हुआ है उस आँख के शेप का, ये रहा। हाँ तो ये उनका फन है, और ये दो आँख हैं, ये एक साथ दोनों आँख अभी आ रहे हैं, तो ये अंदर से ऐसा लगता है और बाहर से तो मैंने आपको शेप दिखाई दिया था। ये जो भी मंदिर है यहाँ पे सबके जो भी यहाँ पे और अब हम वापस जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढलान है तो मैं और फ़ोन होल्ड करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि फिर मुझे उतरने में दिक्कत होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।